अरे लड़का फिर से, ये चक्कर क्या है? ये डेली में आना जाना इसका देख रही हूँ, हमारे घर पे क्यों आता है, बात क्या है? चलो देखती हूँ। दुपट्टे वाली तेरा नाम। अरे भाई आप, हमारे यहाँ आपका डेली आना जाना मैं देख रही हूँ। अरे नहीं, नहीं कैसे वो आना ऐसा था, मैं बताऊँ, प्रॉब्लम ये थी कि मुझे यहाँ पे रूम नहीं मिल रहा था कोई, तो आपकी भाभी जी हैं ना जो उस दिन मिली थी, मैं आया था घर, आपको तो पता ही है, तो उन बेचारी ने मुझे रूम दिलवा दिया है। तो वो ये कह रही थी कि भैया थोड़ा ध्यान व्यान से रहना, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि मकान मालिक से अगर कोई बात बात करनी है तो मैं करवा दे रही हूँ, तो मेरा वो रूम की भी बात करवा रही थी, और कोई बात नहीं है। बाकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं नहीं प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या होगी, आप लोगों के रहते हुए कोई प्रॉब्लम हो सकती है? चलो ठीक है, ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। अरे अग्नि ऐसे टेंशन में क्यों रेडी हो यार? अरे कुछ नहीं, कैसे माइंड इतना टेंशन में है तुम्हारा? अरे टेंशन में ही हुआ है, मेरी ननद की शादी आ रही है, ये 29 तारीख को शादी है। तो क्या करना है? आज 20 दिन हो गए पर तुमने अभी चीज नहीं दी है। अरे यार मैं तुम्हें कैसे बताऊं यार रागिनी, मैं मालूम है उसी चीज के चक्कर में लगा पड़ा हूँ। मालूम है बैंक से जब भी बैंक से पैसे लेने जाता हूँ चेक बाउंस हो रहे हैं, उन्होंने कहा था चेक मुझे भर के दे दिया, मैंने 2-3 बार चेक डाली भी वो बाउंस हो गए हैं। अब कैसे भी सोच रहा हूँ कि कैसे भी ये टेंडर पास हो जाए तो मुझे पैसा मिल जाएगा, उसके बाद में मुझे खुद तुमसे ज्यादा चिंता यार मुझे है। अब तो पिताजी पूछ लेंगे अचानक ही से, तो मैं क्या जवाब दूँ? तुम बेफिक्र रहो, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारा सामान जल्दी से जल्दी तुम्हें वापस दे दूँ। मैं यार तुम टेंशन क्यों ले दियो, मैं तुम्हारे। अरे भाभी, अरे निधि ये सब क्या है, मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे इस तरीके से तुम्हारा बात करना, आना बैठना क्या है ये? नहीं नहीं आपको थोड़ी गलतफहमी हुई है, ऐसा था कि मैं थोड़ा प्रॉब्लम में था और बस। अरे निधि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मतलब दीदी टेंशन ले रही, तो वही बात साफ है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब। नहीं दीदी मुझे, मैं पिताजी से बोल दूंगी। अच्छा नहीं पसंद है ना, तो नहीं अब ऐसे बात करूंगी, ठीक है? अरे कुछ नहीं, वो दीदी मुझे समझा रही थी, मैं समझा रही थी, और परेशान मत हो, जो भी है सब ठीक सही हो जाएगा। क्या तरीका है, बस थोड़ी टेंशन थी तो बेचारी ऐसे बैठे थे, नहीं तो बात जब हमारा कोई मतलब ऐसा कोई गलत मतलब नहीं। अभी अच्छा नहीं लगता ऐसे, पिताजी क्या सोचेंगे अगर अचानक से, चलो अभी मैंने देखा है, अगर उन्होंने देख लिया तो क्या सोचेंगे? हम गलत नहीं है ना, तो हमें कोई देख भी लेता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप लोग आप तो थोड़ा ज्यादा ज्यादा अट्रैक्टिव हो रही है इस बात के लिए लेके, लेकिन ऐसा कुछ मैं नहीं बच्ची नहीं हूँ, मुझे मत समझाओ आप, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, आप थोड़ी सी मेरी थिंकिंग को समझिए, हम लोग केवल बस एक दूसरे, ये मुझे बस टेंशन से थोड़ा निकालना चाह रही थी। और जो मैं आपको देख रही थी जिस तरीके से, वो क्या नहीं, था? नहीं हमारा ऐसा कोई गलत मतलब नहीं था, हम लोग केवल बैठ के हम लोग बात ही तो कर रहे थे बस, ऐसा और कुछ नहीं। ऐसे बात नहीं होती है, बात करने का एक तरीका होता है यार, ये कैसे बात करते हो आप लोग? निधि ऐसा मतलब तुमने ऐसा क्या देख लिया जो खाली हम इसे आप समझा तो रही थी, बैठे हो ऐसे कोई बात करता है क्या? ऐसे ही करके तुम्हें समझा तो रही, और कुछ ऐसा देखा क्या? आपको थोड़ी सी गलतफहमी हुई है, बाय द वे ऐसा भाभी मुझे ये सब पसंद नहीं है, और इनको मना कर दो यहाँ ना आए। ठीक है मैं मना कर दूंगी, टेंशन मत ले। ठीक है, क्या यार क्या कर दिया ये, क्या कर दिया इसने, पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। मैं ये कह रहा हूँ इसको समझा लो, नहीं तो क्या फायदा? अरे मैं समझा दूंगी अब इसे, अब ज्यादा वो मत करो, अब वैसे भी मेरा इतना दिमाग खराब हो गया, निधि क्या सोच रही होगी अब हमारे बारे में, पता है? उसको जो सोचना है ना सोचने दो, और सुनो जो भी तुम्हारे मेरे बीच में आएगा ना याद रखना मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। अरे क्या दिमाग खराब है जी, छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब सारी बात को छोड़ो, ये बताओ मेरे गहने कब मिलेंगे? अरे यार तुमने, और एक तो उसने आके मेरा दिमाग खराब कर दिया, ऊपर से अब तुम दिमाग खराब हो गए, गहने 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 हो गया, बीरबल की खिचड़ी हो गई, अभी नहीं है मेरे पास, पैसे आ जाएंगे तो मैं दे दूंगा, और नहीं दूंगा तो क्या करोगी तुम मेरा? क्यों नहीं दोगे तुम? है मैंने इसलिए गहने दिए थे कि तुम मुझे लौटा के ना दो, मेरी ननद के गहने हैं, पता है मेरे होते तो मैं दे भी देती, है मैं भी देखती हूँ तुम कैसे नहीं दोगे गहने। मैं नहीं दे रहा गहने, और मुझ पे नहीं है कुछ भी। क्या कह रहे हो, दोबारा बोलना, लेने से पहले नहीं बोला? दोबारा बुलवा ले, 10 बार बुलवा ले, मुझ पे नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं दोगे तुम, दोगे मुझे गहने ही दोगे तुम। क्या करेगी? क्या करूंगी मैं? हाँ? अभी तक तो देखो मैं सीधेपन में रही, अगर तुमने मेरी गहने नहीं दिए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं है, याद रखना। तुझसे बुरा कोई नहीं है, तुम मुझे जानती नहीं है ना? क्यों, तुम्हें मैं सबसे अच्छी तरीके से जानती हूँ, तुम है कैसे? मैं कैसा हूँ? हाँ। तुझे पता ही तो नहीं है कि मैं कैसा हूँ, बताऊँ कैसा हूँ? कैसे हो तुम? ये देख कैसा हूँ, बताऊँ कैसा हूँ? तुझसे मैं मना कर रहा हूँ ना, इतनी देर से मेरे खोपड़ी में दर्द मत कर।
मुझ पे कोई गहने वहने नहीं हो बताऊं अभी। अच्छा समझ में नहीं आ रही, मतलब हाथ में बंदूक दिख रही है, छह की छह गोली रहा तेरी खोपड़ी में होकर उतार दूंगा। जाओ, बहुत देखे हैं मैंने ऐसे बंदूक। ये अपना दिमाग लगाना ना, थोड़ा सा बंद करते और गहने। इसका मतलब तुमने मुझे प्यार में धोखा देके मुझसे सारे गहने ले लिए हैं, तुमने मेरे साथ गद्दारी करी। और क्या गहने गहने लगा रखा है, मुझ पे नहीं है गहने। और सुन, तुझे गहने चाहिए ना तो मेरा उसके बदले में एक काम करना पड़ेगा। और सुन, ये मुंह है ना अपना बंद रखियो, अगर किसी को भी अगर थोड़ी सी थोड़ी सी भी बात बताने की कोशिश की ना तो ध्यान रखियो इसमें छह गोलियां हैं और छह तेरी खोपड़ी में उतार दूंगा। एक मिनट लगेगी, देखो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मेरे गहने मुझे वापस दे दो। गहने चाहिए ना? हाँ। तो कल तू ऐसा करियो, पानी भरने आए ना तब मैं तुझे वहीं मिलूंगा और मैं तुझे बताऊंगा तेरे गहने कैसे तुझे वापस करने हैं। चल अब जा यहाँ से, होशियार बन रही है। अरे यार ये क्या हुआ, मैं तो भूल ही गया कि मैडम। हेलो, हाँ मैडम। हाँ भाई जमुड़े, क्या हुआ तेरा? अरे मैडम कुछ नहीं, बस आप ही के काम में लगा हुआ था मैं। तेरे बिना 24 घंटे की मोहलत है मैडम। अगर ये लपर लपर मचाई ना तूने तो फिर सोच हाथ पैर तोड़वाने क्या करवाना है। मैंने जिस काम के लिए बोला है वही काम कर। मैडम मेरी बात तो सुनिए, मैं आप ही के काम की वजह से लगा पड़ा हूँ, आप टेंशन फ्री रहिए, मैं जल्दी से जल्दी और मैं बस व्यवस्था में लगा पड़ा हूँ, आधे से ज्यादा काम हो चुका है। कितना टाइम हो गया है पैसे लिए हुए, कितना टाइम हो गया मैम, कोई काम कर पाया अभी तक? मैम आप टेंशन फ्री रहिए, मैं जल्दी से जल्दी, बस आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी इसी काम को। बस तेरे में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में अगर नहीं हुआ फिर तू सोच तेरा क्या होगा। चल रखा फोन। जी मैडम अभी तक नहीं आई, आ रही होगी। ओफो बड़ी देर लगा लिया आज तो। गहलों की चिंता नहीं है क्या? तुम चाहते क्या हो ये बता दो मुझे। मैं चाहता क्या हूँ? तुम्हें नहीं पता मैं चाहता क्या हूँ? मुझे नहीं पता तुम क्या चाहते हो, क्या चाह रहे हो मुझसे। मैं कुछ नहीं चाह रहा हूँ, बस तुझे एक मेरा छोटा सा काम करना पड़ेगा, कैसे भी अपनी नंद को और तुम मेरे पास भेज। मेरी ननद को? हाँ, तुम्हारे पास को। बहुत नीच आदमी हो तुम, ठीक है? तुमने तो मेरे साथ गलत किया, अब मेरे ननद को मांग रहे हो तुम। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। ऐसा है, ये फालतू की बात है ना, मुझे पसंद नहीं है और फालतू की बात है करी भी मत। मैं अपनी ननद को तो ना भेजूंगी। नहीं भेजेगी ना? नहीं भेजूंगी। तो अपने गहने भूल जा, चल यहाँ से, मुंह दफा कर। चल गहने चाहिए ना तुझे वापस, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर, अपनी ननद को अब मेरे पास भेज आज शाम तक किसी भी हालत में। उसे मैं कैसे भेजूं? मुझे ये सब नहीं पता कि कैसे भेजना है कैसे नहीं भेजना, मुझे तेरी ननद को बुलाना है तो बस मेरे पास भेजना है तो भेजना है, ठीक है? और हाँ सुन, तू अपनी ननद को भेज दे, तू टेंशन मत ले, 24 घंटे के अंदर अंदर तेरी ननद तेरे घर पे वापस आ जाएगी। देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे गहने मुझे वापस दे दो, ऐसा मत करो। मैं कैसे करूं अपनी ननद को कैसे भेजूं, उससे क्या बहाना करूं? ऐसा है, बहुत देर हो गई है, ये है ना लोलो पोछो और ये रो रो के नाटक मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, जितना मैं कहता हूं उतना काम कर। अगर तुझे अपने गहने चाहिए, नहीं अगर नहीं चाहिए तो यहाँ से मुंह दफा कर और यहाँ से निकल चल। और सुन, तू मुझे पागल समझती है ये देख। तू अभी मेरी चाल को समझ का पाई है ये देख। फोटो? ये तुमने कब खींचे हमारे फोटो? कब खींचे? यही तो मेरा काम है, लड़कियों के फोटो खींच के। अगर तूने अपनी ननद को नहीं भेजा तो ये फोटोज भी वायरल हो जाएंगे। नहीं, सोच, नहीं, नहीं। मैं कल इसी जगह पे लेके आती हूँ कैसे भी। अब आ गया दिमाग? मैं लेके आती हूँ। हाँ और ध्यान से भूल मत जाइयो। निधि, निधि। हाँ भाभी, क्या हुआ? निधि मैं ये कह रही थी कि मेरी तबीयत सही नहीं है, मैंने कुछ चीज़ बनवाई थी नो भैया के साथ ने चली जा बाजार। किसके साथ? अरे जो वो मौसी का लड़का नहीं है। नहीं भाभी मैं उनके साथ नहीं जाऊँगी, मुझे नहीं अच्छे लगते वो। निधि वो कुछ नहीं कहेंगे, दूर दूर चले जाएंगे, बस तू उसके साथ चली जा। वो चीज़ लिया मैंने तेरी शादी के लिए, चीज़ बनवाई थी, मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरे सिर में दर्द बहुत तेज़ हो रहा है। नहीं भाभी मैं नहीं जाऊँगी इसके साथ। अरे निधि चीज़ डाली है तो दुकान पर
चली जा लिया जाके। नहीं मेरा मन नहीं, मुझे वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने उन्हें देखा है जिस तरीके से वो बिहेव करता है हमारे घर पे आके, मुझे नहीं अच्छा लगता। अरे ऐसा कुछ नहीं है निधि, पता नहीं तूने ऐसा क्या देख लिया, खाली उस दिन बात ही कर रहे थे और कुछ नहीं है। नहीं भाभी मुझे नहीं अच्छा लगता, आप देखो मुझे नहीं पता। अरे निधि बात तो सुन। हे भगवान ये तो बड़ा चक्कर है, ये भी नहीं मान रही है, मैं तो बीच में फंस गई, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। ऐसा करती हूँ ये ऐसे तो जाएगी नहीं, पानी के बहाने तो ले जाती हूँ अपने साथ, ऐसे तो मेरी रकम भी मिल जाएगी। निधि निधि। हाँ भाभी। मेरे साथ चल लेंगे नहर पे। कहाँ? पानी लेने चल रही हूँ, तेरा भी ना घूमना हो जाएगा, मैं भी पानी ले आऊंगी। भाभी मैं कभी जाती तो हूँ। अरे चलना मेरे साथ ही तो चल रही है। चलो ठीक है। इतनी दूर से पानी लेने जा रहे हैं। अरे बरसात हो गया। और अरे भाभी क्या है? क्या है जाए, मैं रास्ता भी ना निकल के जाऊँ क्या है? अरे हाँ तो निकल के जाओ ना। तो मैंने आपसे कुछ कहा थोड़ी है, मैं तो रास्ते में जा रहा था, आप सामने से थे, कहीं तो रुक गया मैं। अच्छा चलो ठीक है। अरे अभी रुक। इसको छोड़, इसे तो पकड़ लो फिर। छोड़ दे और तू यहाँ से निकल। अब मेरे गहने अभी भी गहने की बड़ी है, जब मैं कह रहा हूँ अभी थोड़ा सबर कर, पहले इसको लेके तो जाने दे, तेरे गहने तुझे मिल जाएंगे, चल जा जल्दी जा, कोई देख लेगा नहीं तो। अरे यार कितना भजन था इस लड़की में। मैडम जी, मैडम जी। हाँ जमुड़े। अरे वाह मान गए तेरे को, तुझे 1000 रुपए दे करके खुश करके भेजूंगी। अच्छा मैडम गांव में इतना अच्छा माल। जी मैडम जी ये समझ लीजिए इतनी मेहनत, जा तेरी मेहनत वसूल हो गई जमुड़े, जो भी है ठीक है मैडम। अच्छा हुआ। अच्छा मैडम जी ठीक है। ए लड़की उठ। आप कौन? कौन और मैं यहाँ कैसे? जो यहाँ पे आ जाता है वो जाता नहीं है। मुझे अब भूल जा अपने घर वालों को, सबको भूल जा। नहीं मैडम आप हो कौन मुझे नहीं पता। जो भी हूँ अब यहीं पे रहना है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं यहाँ कैसे आई, कौन लाया मुझे, कौन लाया क्या है ये अब छोड़ना बंद, सोचना बंद कर, यहीं पे रहना है। नहीं मुझे बंद कर और कुछ मत बोल, मुझे मेरे घर पहुंचा, यहीं बैठी रह सकती प्लीज। यहाँ पे आकर के मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे आकर के कोई जाता नहीं है, समझ में नहीं आता तेरे को? एक बार चुप बैठ यहाँ पे, सुन अब ज्यादा बोली ना, यहीं पे रहना है, सुनाई दे रही है ना, और मुंह बंद करके बैठी रही हो तू, मुझे जानती नहीं है ना अभी, बस और कुछ सुन ना लू अब मैं, मुंह बंद करके बैठी रही है ना, पका दिया है मुझे, मैं कौन हूँ क्या हूँ। अरे निधि, निधि बेटा। अरे आप पिताजी आ गए? आ गए बेटा। तुम बेटा निधि कहाँ गई, निधि को आवाज लगाई है ना? अरे पिताजी निधि मैं तुम्हारा फोन भी लगा रही हूँ, फोन नहीं मिल रहा है, निधि 3 दिन से घर पे ही नहीं आ रही है, कॉल वो ट्यूशन गई थी, फ्रेंड बेटा के संग चली गई होगी घूमने। 3 दिन हो गए पिताजी, 3 दिन से घर पे नेक भी नहीं आई। अरे नेक भी तो आती ना। क्यों कहाँ गई? मुझे नहीं पता, वो गई थी पढ़ाई करने ट्यूशन, तो जब से लौट के ही नहीं आई है। तो पूछी काम मामले का कोई थे? और फिर तो पिताजी मैं चाची बाची तो पूछ ले। अरे मेरी बात तो सुन लो पिताजी, बात ही नहीं सुनते हो, अपनी बताई जा रहे हो, तुम्हें मालूम है हमें मालूम है। हाँ बेटा मुझे ये, मैं कई दिन से निधि को देख रही थी, मुझे उसके चाल चरण अच्छे नहीं लग रहे थे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी के साथ भाग गई है पिताजी। ना बेटा हमारी लाली ऐसी ना है, अब कोई बेहला फुसकाल के ले हुआ तो कह ना सके। देखो पिताजी जो मुझे लगा वो मैंने तुम्हें बता दिया। चल मैं पता कर रहा हूँ, तू अंदर जा, ले फार्म वाले में ले जा, मैं पता करके आ रहा हूँ बेटा है, जा तू। राम राम दरबार साहब। अरे राम राम। राम राम जी। दरबार जी कंप्लेन लिखवानी है हमें, हमारी लाली लापता है घर से 3 दिन हो गए। अच्छा काम में छुमारा हमें, हमारा बेटा वैसी ना, हमारी बहू घर पर अकेली रह गए। आपकी लाली लापता है? हाँ, है? हाँ।
ये कहाँ का न्याय है? मतलब अगर ये आपकी लाली न्याय है तो आप सुरक्षित क्यों नहीं रख सकते? अब मैं दरवाजे भाई के पीछे तो घूम रहा ना, बच्चा आने का चले यार, मैं सही है तुझे मिलने। तो घर में देखावारी तो रख सकते हो? नहीं, मैं आज ही आयो दरवाजे, मैं खेत पे था, घर तक खेत दूध फूद बांटू करीब आती हूँ दरवाजे। अच्छा एक कमरे वाली लिखवा दो। चलो जो भी है मैं लिख रहा हूँ। अच्छा पहले आप अपना नाम बताओ। नाम मेरा मटरू लाल है। अच्छा मटरू लाल। हाँ। अच्छा आपकी धर्मपत्नी का नाम क्या है? शांति देवी। अच्छा शांति देवी। अच्छा जी। अच्छा कब से लापता है आपकी बेटी? 3 दिन हो गए दरोगा जी, बात से मुंह गई है, अभी तक कुछ ना आया। अभी तो भाई ये मालूम है कि वो बासे मुंह ही गई है। दरोगा जी बेचारी ने चाय बताई बहू के, चाय पी के निकली है दीदी, और अभी तक 3 दिन हो गए घर पर लौट के ना आई। शट अप, ये बताओ आप रहते कहाँ? TVS पे। अच्छा TVS पे रहते हो। कोई मोहल्ला का नाम है? मोहल्ला नाम? मोहल्ला का TVS भूल दिया, गली है। अच्छा अच्छा हाँ, ट्रांसफार्म के बराबर में गली है। चलिए ठीक है, ऐसा है मैं कार्रवाई करता हूँ, ठीक है? जैसे ही कोई हमें सुराग मिलेगा हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। सुराग ना है, दरवाजे डायरेक्ट ढूंढने। हाँ बिल्कुल, मैं ढूंढने के मतलब अब बिल्कुल चालू कर रहा हूँ, अब आपकी बेटी को ही ढूंढा जाएगा, आप चिंता ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, मेहरबानी की कैसी बात करी आपने, हम तो आपके लिए ही तत्पर रहते हैं सेवा में। ठीक है आप जाए, मैं जरूर छानबीन करता हूँ। ठीक है ठीक। यही घर दिखे शायद इनका, क्या नाम है? मटरू लाल। बोला अरे मटरू लाल जी है क्या? मटरू लाल, राम राम दरोगा जी आ गए तुम? हाँ जी आ गए। राम 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 राम। अच्छा जी ऐसा है आपकी बेटी का कुछ सुराग मिला है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, कुछ आपसे पूछताछ करने के लिए आया हूँ यहाँ पे, ठीक है? अच्छा कौन है घर में, उन्हें बुलाओ। बहू हमारी। हाँ बुलाओ, बेटा की बुलाओ, बुलाओ उन्हें, बुलाओ सही। अरे रालमी बुलाओ, रालमी बेटा। जी पिताजी। बेटा आ गया, आजा। हाँ आ गई हमारी बेटी। बेटा अच्छा भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं, बता दियो ना सीधा सीधा, पूछो दरवाजी। मैं बिल्कुल पूछ रहा हूँ इनसे। अच्छा आप दोनों ही घर में रहते हैं बस, और एक आपकी बेटी थी वो बेटी लापता हो गई है? बेटा मेरा बाहर बाहर है। बेटा आपका बाहर पड़ता है, हैं? मतलब जो। अच्छा 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 जी, बेटी कितने बजे लापता हुई थी कुछ याद है? ये तो कुछ ऐसे ही 11-12 के बीच में। अच्छा 11-12 के बीच में बेटी आपकी लापता हुई थी, है? जी वो नंद है, बेटी नहीं है। अच्छा हाँ नंद है आपकी, है? अच्छा अच्छा, उसमें कोई घेरा सुराग तो नहीं है ना, बता दें मुझे पहले ही? नहीं वो नहीं, कुछ भी कुछ भी, आप हिचकिचा रही हैं, आपके इस हिचकिचाने से मुझे कुछ डाउट लगता है। बेटा जो भी बात है दरवाजे को साफ साफ बता, मेरे दिमाग आप साफ बता दो। देखो अगर आप साफ साफ मुझे बता देंगे कि दरवाजे को साफ, देखो मैं बता रही हूं, हां गर्मी का फूल जल्दी बता दे। आप इधर आइए पिताजी, मैं आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं बेहूदी, हैं गर्मी का तो मैं बेटा इनकी छोड़ो, ये बेटी चली गई है ना इस वजह से। ऐसा है आप मुझे सब सच सच बता दें, अगर आपने सच नहीं बताया क्या फायदा कि मैं महिला पुलिस बुला के आपको अंदर करा दूं, तो ठीक नहीं। दरवाजे साहब मैं बता रही हूं आपको, हां एक लड़का है। हाँ। वो लड़का ना घर पे आता था। अच्छा मैं ना पानी भरने गई थी, तो जब मुझे रास्ते में मिला तो वो ये बोल रहा था कि मेरा साबुन की फैक्ट्री है, मैं ये हूँ वो हूँ, मतलब उसने लंबी लंबी छोड़ा था, तो उसकी नजर ना मेरी ननद पे थी, तो मुझे ये शक है कि वो ही लड़का ले गया है। अच्छा हाँ, आप उस लड़के को जानती थी? जी हाँ। कब से? अरे वो तो मुझे ऐसे ही मिला था। कब से जानती थी? कोई टाइम तो होगा। ये हो गए 7-8 दिन। 7-8 दिन से? हाँ। अच्छा 7-8 दिन पहले आप मिली थी, है? हाँ। अच्छा अच्छा, मुझे कुछ ऐसा शक होता है अगर मैं आपको बताऊं उसके कुछ हाव भाव बताऊं तो आप पहचान जाएंगे उस लड़के को? जी हाँ। वो लड़का गले में गमछा डाल के रहता था? हाँ 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 बिल्कुल, लाल कलर का था। हाँ। लाल कलर का गमछा डाल के रहता है वो, है? हाँ वो ही है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। आप बहुत गलत आदमी के चंगुल में फंस गई हैं। चलिए कोई बात नहीं, बाकी मैं देखूंगा उससे कैसा, मतलब क्योंकि वो पहले से ही बदमाश था। अच्छा। अब उसने दोबारा मतलब कई बार उसके नाम FIR लिख चुकी है इसमें, तो उसका नाम देव है। अच्छा देव नाम बताता है वो अपना, मतलब नाम चेंज कर करके बताता है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, इस तरीके से। आप इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें, बस आप हमारी ननद को। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी ननद को मैं चाहूंगा कि मैं बिल्कुल सुरक्षित आपके घर तक करके जाऊं, ठीक है? आप चिंता ना करें, बाकी मैं चल रहा हूं, मैं कार्रवाई करता हूं। ठीक है दरवाजे। हाँ भाई जी। जी सर। जी सर और वो सर मत कर,
यहाँ खड़ा हो। कहाँ से आ रहे हो? कहीं से नहीं सर, बस ऐसे ही निकल। कहाँ से? सर निकल के जा रहा था सर। कहाँ? घर की तरफ सर। कहाँ? सर अपने घर जा रहा था सर। घर जा रहे हो? जी सर। हैं? जी सर। ऐसा है बेटा, चलाना किसी और को, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये इन वर्दी वालों को मत चलाना बस। नहीं सर वो बस। क्या नहीं सर? ऐसा है बेटा, अब तुम्हारी जो जगह है ना, अब कहीं मत जाओ इधर उधर, अब सीधे चलो हमारे साथ थाने में। पहले बताओ तुम्हारे पास इस समय है क्या क्या चीज़? सर मेरे पास कुछ क्या है? सर मेरे पास कुछ नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? सर कुछ नहीं है सर, वो इसे निकाल, निकाल इसे, निकाल इसे। ओ असला मतलब बंदूक रख। चलो आप सर, सर सर क्या सर? सर मुझे छोड़ दीजिए सर। है? छोड़ दो जी सर। अब ये बता दे सच सच, देख तेरे पास अब ये भी धारा लगने वाली है, ठीक है, जो ये बंदूक मिली है। अब ये बता दे साफ साफ कि जिस लड़की को तू लेके आया है वो कहाँ है इस समय? सर मेरे पास कोई लड़की नहीं है सर। कोई लड़की नहीं है? नहीं सर। अच्छा झूठ बोल रहा है? नहीं सर। टीवीएस के पास में से कोई लड़की ली थी तूने, वहां से कोई लड़की गायब हुई है? झूठ मत बोलना, बस मुझसे ही झूठ मत बोलना। सर नहीं है मेरे पास। बता रहा है नहीं? दूबे है सर, उठाई थी सर। कहाँ है वो? सर वो मैंने लक्ष्मी बाई की कोठे पर। लक्ष्मी बाई कोठे पर? जी सर। चल लक्ष्मी बाई कोठे पर चल। तो क्या है, क्यों इतना भड़क रहे हो ये बताओ? भड़कने वाली बात नहीं है गंगू भाई, ये जो लड़का है ये तकरीबन 6 से 7 दिन पहले किसी लड़की को यहाँ बेचकर गया था। अब देखो आप भी जानते हो यहाँ पे आया हुआ माल तो वापसी होता। देखियो गंगू भाई वो बात मैं नहीं कह रहा हूँ आपसे, अगर मुझे ऐसे ही पहले करना होता तो काफी लड़कियां हैं आपके यहाँ, मैं उनकी भी सिफारिश कर सकता था। पैसे वैसे चाहिए तो वो? नहीं 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 गंगू भाई, पैसे वाली बात नहीं है, पैसे वाली बात होती तो मैं यहाँ आता ही क्यों, क्यों आप भी इस बात की समझदार है, लेकिन मुझे वो लड़की चाहिए जो लड़की अभी यहाँ पर बुला कर लाया जी, जो माल यहाँ पे आता है वो तो जाता नहीं। गंगू भाई मुझे वो लड़की वापस चाहिए तो चाहिए, क्योंकि उनके माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान हैं, उनके पिताजी मेरे यहाँ से 2 लाख रुपए लेकर के गया था। अच्छा लड़की के लिए? तो आप ऐसा करें ये 2 लाख रुपए लेकर गया आप इसी को रखे यहाँ? अरे ऐसे कैसे, मेरे यहाँ पर लड़कियों का काम है। अच्छा जैसे तो ये 2 लाख रुपए ये चुकाएगा? सर मैं कहाँ से चुकाऊं सर? कहीं से भी चुका, मुझे क्या मतलब। और देखिए गंगू भाई इसके पास ये बंदूक निकली है जो मैंने अभी अभी इससे ले ली। अब देखो ये तो मुझे पता नहीं है, पर मेरे यहाँ से लड़की वापसी नहीं जाएगी। कुछ नहीं। पैसे आपको चाहिए गंगू भाई? सेवा पानी पैसों वाली बात नहीं है गंगू भाई, देखो आप ये खाओ खा की बातों में ना मुझे उलझाएं, बात सीधी यहाँ है कि क्या हो कि मुझे ऐसा लगे कि मैं मतलब महिला पुलिस बुला के ये तो जा ही रहा है अंदर और आपको भी मैं अंदर करा दूं। दरोगा जी इतना गरम क्यों हो रहे हो? मैं तो नहीं हूँ, कुछ पैसे दे करके। दरोगा जी अंदर चलो, दरोगा जी कान बचा लीजिए। गंगू भाई आने दो से, आने दो। मैंने दिए, मैंने पैसे आपने किसको दिए किसको नहीं दिए आप मुझसे पैसे मांगे प्लीज, मेरा काम ये है। पैसे दिए मैंने, पैसे पैसे आपने किसको दिए हैं? मैंने इसको दिए, इससे पैसे लेने का कानून बनता है जमुड़े मुझे, और यहाँ कानून साक्षात आपके सामने रहा है। 2 लाख रुपए आज तेरी वजह से ये हो रहा है, ठीक है? मुझे प्लीज आप, दरोगा जी आपको मैं बचा के ले जाऊंगा, आप चिंता ना करें बेटा, आप चिंता ना करें, बस आपको ये लास्ट चांस है, अब आपसे मेरी कोई वो नहीं है, आप चलिए। मुझे पता मैं क्या करूं मैडम जी, मुझे बचा, मुझे पैसे चाहिए, मैं क्यों बचाऊं? 2 लाख रुपए दिए थे मैंने। मैडम जी मुझे बचा लीजिए आप ही बचा। अब ऐसा है गंगू भाई ये फालतू वाली बात मत करिए, आपके लिए महिला पुलिस भेज रहा हूँ और इसको तो मैं अभी ले जा रहा हूँ। मैं दरोगा जी कह तो रही हूँ कुछ पैसे दे करके, मुझे जो मैटर मुझे आप रिश्वत की धमकी ना दें, मैं रिश्वत लेने वालों में से नहीं हूँ, वो पुलिस वाले और होंगे जो रिश्वत लेते होंगे, मैं वो नहीं हूँ। आप पहले जो बचा लो बेटा। अब ऐसा है गंगू भाई ये फालतू वाली बातें ना करें आप मेरे सामने, ठीक है? अरे दरोगा साहब कुछ पैसे दे करके मैटर सॉल्व, मैं रिश्वत वालों में से नहीं हूँ, मैंने आपसे पहले ही बोल चुका हूँ, वो रिश्वत वाले और होंगे। और दरोगा साहब मेरे यहाँ पर लड़की आई आपके, आपके खिलाफ भी FIR हो चुकी है, और ऐसा है आपके मतलब आपको गिरफ्तार करने के लिए लेडी पुलिस आ रही है और इसको तो मैं ले जा रहा हूँ। चल भाई चल मेरे साथ। मैडम मुझे बचा लो मैडम, चल भाई माँ बाप चल भाई। सर सर प्लीज क्या सर छोड़ दीजिए, यहाँ खड़ा हो सर, छोड़ दीजिए सर, यहाँ खड़ा हो सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। तुझे छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कहीं, नहीं छोड़ू क्या? छोड़ना इसको, अच्छा आप एक बात बताएं मैम, आपको इसके हवाले किसने किया था?
वो मेरी भाभी ने मुझे इसके हाव हाव पहले ही अच्छे नहीं लग रहे थे, मैंने उसे मना किया था इसको घर में मत आने दो। अच्छा, उन्होंने बहाने से मुझे इसके साथ भेजा, मुझे नहीं पता क्या हुआ मेरे साथ। सर ऐसा था सर, अच्छा आपकी भाभी ने आपको इसके लिए हवाले किया था? इसकी भाभी का और मेरा अफेयर था सर। हां जी सर, अफेयर था जी सर। अब मैं निकलवाऊंगा अफेयर, पहले तो अंदर तुझे बंद करके आता हूँ। सर निकल, अब इन्हें रिमाइंड पे लेता हूँ। मटरूलाल, मटरूलाल, मटरूलाल। राम राम दरवाजी का जो खबर है, कछु ना है, खबर है सब। अच्छा पहले आप ये बताएं कि आप वो बहुरानी कहाँ है आपकी? बुलाओ ने, अंदर है, बुलाओ ने। अरे रागनी जी, पिताजी। अरे भैया बात ऐसा है मैम, आपको जेल चलना पड़ेगा हमारे साथ। पर क्यों दरोगा साहब? पर क्यों नहीं, वो क्यों तो हम जेल में ही बताएंगे आपको। कोई बात है दरवाजा, आप चले, आप अपनी बेटी को ले आना, ठीक है? इतना ही कहने आया था, बाकी सब बात वहीं करूंगा आपसे। आइए, क्या खड़े हो जाइए आप दोनों, आपकी बेटी को बुलाता हूं मैं, ठीक है? अरे बेटा, अरे कहाँ हो आप? अरे मेरी नीति, नृत्य नाटक मत करो मेरे सामने। अरे मेरी बेटी, अभी रुक जाओ, पूरी बात सुन लो, जब जाके जो भी करना है तो बाद में करना। सुनो ऐसा है, आपकी जो ये बहू है, बहू रानी है, जो लड़का मैंने आपको दिखाया था, वो लड़का जो पकड़ा था मैंने, एक लड़का पकड़ा है। अच्छा ठीक अच्छा। है उनका आपकी बहू का और उसका अफेयर था दोनों का। ओहो ठीक है, और इन्होंने ही इस लड़की को उसके हैंड ओवर उसको भाभी से मना किया था, इन्होंने माना नहीं, इनका उनका कुछ चक्कर था, मैंने देखा था, मना भी किया, इन्होंने कुछ भी नहीं सुना था, और मुझे इन्होंने उसके हवाले किया था, मुझे नहीं पता कैसे ले गया, कब ले गया वो। तू बेटी घर पे आ गया, चल दरवाजे घर पे तो मुंह ना रखने में, अपने बेटे की दूसरी शादी करवाया, मैं ले आया वो पर ले आया, मैं तो परेशान हूँ, आ जा बेटा तू ले जा।